नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमारो हार्दिक स्वागत है एज्युकेशन इन गुजराती चैनल पर। आज आपणो टॉपिक है धोरण 9 विषय हिंदी चैप्टर 21, तेमनुं नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। साहित्य प्रकार है गद्य और उसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद पाश्यायन और उसका उपनाम है अज्ञेय। उसमें हम देखते हैं विभाग पहला गद्य आधारित। उसमें प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। खाली जगह दूसरी है शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। खाली जगह तीसरी है शेखर के घर में विदेशी वस्तुओं का उपयोग होता था। खाली जगह चौथी असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। पांचवी खाली जगह गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। प्रश्न दूसरा है कि सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। उसमें वाक्य पहला है शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा। वाक्य दूसरा है शेखर ने दिए से तेल लेकर विदेशी कपड़े जलाए क्योंकि तेल का पीपा नौकरों के कब्जे में था। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया। उसका उत्तर है क्योंकि पहनने के लिए देशी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। प्रश्न दूसरा है शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी। उसका उत्तर है शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। प्रश्न तीसरा है शेखर ने आग कैसे जलाई। उसका उत्तर है शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। प्रश्न चौथा है शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा। उसका उत्तर है शेखर गला खोलकर गाने लगा गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। प्रश्न पांचवा है अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा। उसका उत्तर है अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो। छठा है शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था। उसका उत्तर है शेखर ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। प्रश्न सातवां है शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में क्या दिखाया गया। उसका उत्तर है शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में स्वाधीन और बाधाहीन भारत दिखाया गया था। प्रश्न आठवां है पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े। उसका उत्तर है पिता ने शेखर के कान पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर न देकर शेखर बिल्कुल चुप रहा था। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया। उसका उत्तर है घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। प्रश्न दूसरा है शेखर के नाटक का विषय क्या था। उसका उत्तर है शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसे गांधी जी की प्रवृत्तियाँ और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। प्रश्न तीसरा है अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया। उसका उत्तर है अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था, वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न चौथा है पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर से क्या कहा। उसका उत्तर है शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से
अभिज्ञ समझे, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? प्रश्न पांचवा है, शेखर उत्तर देने से कैसे बच गया? उसका उत्तर है, शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। छठा प्रश्न है, घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा, क्यों? उसका उत्तर है, बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी सी साध ली थी, इससे पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू है, किसी के सामने उनका मुंह ही नहीं खुलता। प्रश्न सातवां है, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया? उसका उत्तर है, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो कुछ देसी कपड़े थे उन्हें ही पहनने लगा, उनसे घूमना मिलना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनके लायक देसी कपड़े उसके पास नहीं थे। प्रश्न आठवां है, शेखर ने राष्ट्रीय नाटक लिखना क्यों प्रारंभ किया? उसका उत्तर है, शेखर अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करना चाहता था, इसी के साथ उसे गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति, राष्ट्रभक्ति भी व्यक्त करनी थी। इन कारणों से उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। अब हम देखते हैं प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच छह वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? उसका उत्तर है, महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी, शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था, वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था, गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे, विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता के प्रतीत बनी गई थी, इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। प्रश्न दूसरा है, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? उसका उत्तर है, शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे, पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था, शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी, उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था, शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, शेखर ने नाटक लिखना कब प्रारंभ किया, क्यों? उसका उत्तर है, शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलन से अत्यंत प्रभावित था, उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी, अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था, परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था, ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना प्रारंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपने अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी, साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था, इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट न करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। चौथा प्रश्न है, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। उसका उत्तर है, शेखर एक कोमल मन का किशोर है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, स्वदेश की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई है, वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है, वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है,
और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। अब हम देखते हैं विभाग दूसरा, व्याकरण आधारित। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला वाक्य है मुंह काला होना यानी बदनाम होना। वाक्य है बुरे कर्म करोगे तो मुंह काला होगा ही। दूसरा प्रश्न है घृणा होना यानी नफरत होना। वाक्य है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तीसरा है बाध्य होना यानी विवश होना। उसका वाक्य है बालक की जिद के सामने माँ को बाध्य होकर उसे खिलौना दिलाना पड़ा। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के विलीन शब्द लिखे, सहयोग असहयोग, विदेशी स्वदेशी, बाहर भीतर, दुश्मन दोस्त, अंकुश निरंकुशता, सम्मुख विमुख। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है अनुमति आज्ञा, कष्ट तकलीफ, निरंतर लगातार, आज़ाद यानी स्वतंत्र। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है अंतर्गत अंतः प्लस गत, दूसरा है समावेश सम प्लस आवेश, तीसरा है समाविष्ट सम प्लस आविष्ट, चौथा है प्रतिक्रिया प्रति प्लस क्रिया। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है बहिष्कार बहिप्लस्कार, अंग्रेजी अंग्रेज प्लस ए, तीसरा है नौकरानी नौकर प्लस आने, चौथा है अध्यापिका अध्यापक प्लस इका। प्रश्न छठा है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। वाक्य पहला है शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था, भाववाचक संज्ञा है बचपन। दूसरा है शेखर के मन में विदेशी के प्रति घृणा हो गई, भाववाचक संज्ञा है घृणा। तीसरा है पिता की उपस्थिति में वह बातें करते झिझकाता था, उपस्थिति। चौथा है उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई, कठिनाई। पांचवा है उसने प्यार से उस लड़के की ओर देखा, प्यार।